एलविश को है माँ का इंतजार। भाई कल से आज दूसरा दिन आ गया लेकिन अभी तक एलविश के घर से कोई नहीं आया, जहां पर एलविश कर रहे हैं अपनी माँ का इंतजार, जहां पर एलविश काफी रोए भी है उनके इंतजार में, जो बार बार अगर उसको कोई गाड़ी की आवाज सुन लेती तो उसको लगता है उसकी माँ आ रही है। जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि एलविश काफी ज्यादा उदास है क्योंकि वो कर रहा है अपनी मम्मी का इंतजार, उसे मिले हुए काफी दिन हो गए और उसने तो कई बार ये भी बोल दिया कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे तो यहाँ से जाना है। अब जिसके बाद में आपको बता दे अभिषेक मलहान की माँ भी कल आई थी, डिम्पल मलहान, अब उनका जाने का टाइम आ गया जो वो घर से जा चुकी हैं। और अब आपको बता दे एलविश के लेकर खबरें जो आ रही हैं कि अब एलविश के घर से आखिरकार कौन आएगा, तो बता दे जहां पे एलविश कर रहे हैं अपनी माँ का इंतजार तो एलविश की माँ नहीं आने वाली हैं। एलविश के दोस्त लवकेश कटारिया, जिनका एक यूट्यूब चैनल है करप्ट ट्यूबर के नाम से, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही कुछ टाइम पहले करीब एक डेढ़ घंटे पहले ट्वीट करा है जिसमें वो लिखते हैं ऑन द सेट ऑफ बिग बॉस #एलविश यादव। तो ये खबर सामने आ रही है कि एलविश यादव को है अपनी माँ का इंतजार लेकिन माँ की जगह कोई और आएगा, जो कि उनके दोस्त हैं काफी अच्छे लवकेश कटारिया, जो आजकल उनके व्लॉग्स पे भी वीडियो डालते हैं, उनके चैनल पे डालते हैं, जिनका चैनल है करप्ट ट्यूबर के नाम से, जिन्होंने ट्वीट करा है ऑन द सेट ऑफ बिग बॉस #एलविश यादव। तो ये खबर सामने आ रही है कि एलविश यादव की माँ नहीं आ रही है, उनके दोस्त आ रहे हैं जिनको देखकर अब आखिरकार उनके दोस्त आकर क्या बड़ा धमाका करने वाले हैं घर में, क्या मौज मस्ती करने वाले हैं और क्या टास्क करने वाले हैं और साथ ही क्या खुलासे करने वाले हैं बाहर की दुनिया के बारे में, क्या एलविश को अपडेट देने वाले हैं उसके घर वालों के बारे में, देखना इंटरेस्टिंग होगा। वेल आपका इस पर क्या है कहना कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए।